सीएम साहब बस्तर के चित्रकूट में आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जो कि आज एक दिन के बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम साय बस्तर के चित्रकूट में आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक भी लेने वाले हैं और इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि ये जो बैठक होगी कई अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ कई अहम और बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। इधर ग्वालियर में गुंडे और बदमाश खुलेआम फायरिंग करके पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मामला आनंद नगर और बहोड़ापुर इलाके का है। एक बदमाश अपने साथी के साथ एक घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंचा। इस दौरान बदमाश एक महिला का नाम लेता है और अवैध कट्टे से दो राउंड फायरिंग करता है। गोलीबारी का यह वीडियो शिवांग भार्गव नाम की आईडी से सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। फायरिंग करने वाला युवा किला गेट का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी एक बदमाश के फायरिंग कर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जांच करा रही है और इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस ने अभी दोनों वीडियो को कब का है, ये ड्यूरेशन और सारी जो सोर्सेज है वो पता लगा रही है। इधर जबलपुर में नशे में धुत एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। मामला मदन महल थाना क्षेत्र का है। नशे में धुत युवक ने पहले तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़ डाले। इसके बाद जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो शराबी युवक ने उनके साथ भी मारपीट की और पत्थर भी मारे, जिस इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के हंगामे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वही इलाके के लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शराबी युवक इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। और इसके चलते देखिए, जो लोग यहाँ के रहने वाले स्थानीय, उनमें दहशत का माहौल है, जिसके बाद उन्होंने अपने डर को जताते हुए पुलिस से भी इस पूरे मामले की शिकायत की और कहा है कि गश्त जो है यहाँ पर बढ़ाई जाए।